वेलकम टू माय चैनल। फिर से हम आ गया है थोड़ा सा एक ट्रिक्स लेके, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा कॉल्स आ रहा है और बहुत सारा एसएमएस आ रहा है। तो उन्होंने बोल रहा है जब हम लोग यूट्यूब से बहुत आदमी लोग हैं जो यूट्यूब से ट्रैक्स डाउनलोड करके उसका वीडियो इम्पोर्ट कर लेता है निवेंडो में, और वीडियो देख के उसका लिरिक्स देख के, मतलब जब आप लोग वीडियो इम्पोर्ट करेंगे तो डिवाइस में जाके आपको वीडियो जो प्लेयर है, प्लेयर में आपको लिरिक्स दिखाई देगा, और प्लेयर का साइज़ भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। मतलब सेटिंग्स में जाके, डिवाइस सेटअप में जाके आप लोग अगर वीडियो में क्लिक करेंगे तो वीडियो प्लेयर का साइज इधर बिग साइज है, स्मॉल साइज है, और टाइनी साइज है। तो हम लोग स्मॉल साइज क्या, अगर बिग साइज करेंगे तो F8 प्रेस करने से वीडियो आ जाएगा, तो इधर आपको दिखाएगा वीडियो और आप लोग गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका तरीका तो है ही, आप लोगों को वीडियो एक ट्रैक लेना पड़ेगा, उसका तो चैप्टर में हम बोल देंगे। मतलब वीडियो आने के बाद मान लीजिए ये इम्पोर्ट हम लोग कर लेते हैं, हम जैसे कि ऑडियो फाइल इम्पोर्ट करते हैं उस टाइप का वीडियो फाइल हम लोग इम्पोर्ट करेंगे, इस टाइप का वीडियो, इतना टाइप का वीडियो आएगा। कुछ कुछ वीडियो में एरर दिखाएगा, मान लीजिए इधर एक वीडियो है, अगर हम ओपन करेंगे तो ये आएगा नहीं ठीक से। तो वीडियो इम्पोर्ट करने का टाइम पर वो एरर दिखाएगा, मतलब उसका कोडेक का कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए हो रहा है। पुल में जाइए, देखिए वीडियो तो आया है, तो ये जो है इसको थोड़ा इधर ले आ सकते हैं, देखिए कुछ नहीं है इसके अंदर, मतलब वीडियो ठीक से आया नहीं है। तो इसके लिए ट्रिक्स जो है, आप लोग क्विक टाइम प्लेयर लोड करिए, क्योंकि डिवाइस के अंदर जो वीडियो प्लेयर होता है इसके अंदर डायरेक्ट टेक्स होता है और डायरेक्ट शो होता है। तो क्विक टाइम इंस्टॉल करने के बाद क्विक टाइम भी मिलेगा, तो कुछ कुछ वीडियो क्विक टाइम सपोर्ट करता है। हम इसको डायरेक्ट टेक्स करके एक बार इंपोर्ट करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो वीडियो फाइल इंपोर्ट करते हैं, देखिए तब भी नहीं आ रहा है क्योंकि इसका क्विक टाइम प्लेयर है नहीं। तो देखिए वो बोल रहा है यूज़ हो रहा है प्रोजेक्ट में तीनों जगह पर, मगर इस इधर नहीं दिखा रहा है, वीडियो नहीं दिखा रहा है, जूम करके भी आप लोग देख नहीं सकते। तो इसका कोडेक का, इसका ऊपर डिटेल तो हम बोल देंगे कैसे करना है। आप लोग सोच लीजिए इस टाइप का एक वीडियो है जिसका हम ऑडियो जो है निकाल दिया है, ये है ट्रैक उसका, ये ट्रैक में अपने आप चला आएगा। तो ये ट्रैक टाइप का है, ट्रैक टाइप का नहीं है, एक्सट्रैक्ट किया हुआ है एक वीडियो से, तो उसका साथ नीचे में गाना है। मान लीजिए आप लोग गाकर इस टाइप का ओएफ्स आ रहा है, तो पहले हम बोल दे रहे हैं इसको रिमूव कर दे रहे हैं। तो वीडियो जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो वीडियो का साथ साथ एक ऑडियो ट्रैक भी आएगा, ब्लैंक आएगा, ऑडियो ट्रैक डिवाइडेड होकर ब्लैंक आएगा, वीडियो में वीडियो चला जाएगा, ऑडियो में ऑडियो चला जाएगा। तो उसको डिलीट करके आप लोगों को रिकॉर्ड करना है उसको देख के। तो ऐसा तरीका में ये समझ लीजिए एक वीडियो फाइल था, उसका वीडियो हम डिलीट कर दिया है, इसका ऑडियो इधर पड़ा हुआ है, ये ट्रैक मान लीजिए, और नीचे में एक गाना का रिकॉर्ड हम लिए है। तो गाना में क्या देना पड़ेगा, पहले हम लोग गाना सुन लेते हैं, इसके साथ पूरा जो सेटिंग जो होता है, मतलब जो जो इफेक्ट डालना पड़ता है। ट्रैक में तो हम कुछ इफेक्ट डाल नहीं सकते क्योंकि ट्रैक में वो मिक्स है, और हमारा जो गाना बनता है गाना में हम लोग बहुत सारे इफेक्ट्स डाल सकते हैं। तो देखिए पहले सुनते हैं, इसको हम लोगों को काम करना है नीचे का ट्रैक में, ऊपर का ट्रैक में कुछ काम करना नहीं है क्योंकि ये मिक्स ट्रैक है, इसमें काम होगा नहीं। मिक्स ट्रैक में हम कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ वॉल्यूम छोड़ के, वॉल्यूम हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसको पैनिंग कर सकते हैं, ऐसे टाइप के कर सकते हैं, मगर हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो नीचे में रिकॉर्ड हुआ है, इसमें पहले आपको देना पड़ेगा, पहले आप दीजिए, डाल दीजिए मास्टर डायनामिक्स के अंदर कंप्रेशन डाल दीजिए। कंप्रेशर का ये जो मेकअप वॉल्यूम जो है ना थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि माइक्रोफोन से अगर कम गेन में रिकॉर्ड होगा तो इधर से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो हो गया, तो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो अभी हम लोग सुन सकते हैं किस टाइप का हुआ है इसका। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं,
देखिए थोड़ा सा बोल्ड हुआ है। ये जाम भरे भरे बोल्ड हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ हम लोगों को इक्यू करना है, मान लीजिए हम लोग इक्यू करेंगे, इक्यू का चार बैंड हम लोग ऑन कर दिया है, अगर थोड़ा सा शार्पनेस हम लोगों को चाहिए तो थोड़ा सा शार्प हम लोग बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा बेस चाहिए हम लोग थोड़ा सा बेस भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर हम लोगों को बढ़ाना चाहिए तो हम लोग इधर से बढ़ा सकते हैं, इस थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं। तो अगर शार्प को शार्प अगर कोई दरकार नहीं है तो हम लोग शार्प नहीं करेंगे। तो देखिए उसके बाद हम लोगों को देना है एक लिमिटेड देना है, वो भी डायनामिक्स के अंदर मिलेगा। लिमिटेड डाल दीजिए थोड़ा सा, देखिए और भी थोड़ा बोल्ड हुआ है, बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है वोकल। आप लोग इधर से भी कोई प्लग जो प्रीसेट है वो भी डाल सकते हैं। कल की किसको खबर एक रात होके निडर मुझे जीने दो। हो गया। उसके बाद आप लोगों को स्टैटिक जो काम होता है रिवर्ब डालना पड़ेगा, छोटा सा रिवर्ब, मतलब उसका रिवर्ब टाइम उतना बड़ा नहीं होगा, फ्रेम बड़ा नहीं होगा, प्री डिले भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, और रिवर्ब एफिशिएंसी जो है ना ये 10 का नीचे में रहने से ही अच्छा होगा, 9 कर देते हैं। तो सुन कर देखते हैं। ये नयन डरे डरे सराउंड भरे भरे थोड़ा सा रिवर्ब टाइम कम करते रहे, जरा दो कल की किस को खबर एक रात होके निडर मुझे जीने दो। ये नयन डरे डरे ये नयन डरे डरे हम लोग सुनकर बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि इसका विथ मतलब रिवर्ब देने से हर टाइम अच्छा नहीं होता है। एक्चुअली इसका जो सेटिंग रिवर्ब है उसको देख के देख के हम लोगों को करना पड़ेगा किस टाइप का रिवर्ब देने से यह बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए लो बार अच्छा सिंगल डिले डिले हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, डिजिटल करना फिर से हम लोग सुनते हैं। कल की किस को खबर एक रात होके निडर मुझे जीने दो। ये नयन डरे डरे ये हो गया। अगर हम लोगों को थोड़ा सा डिले चाहिए तो हम लोग डिले दे सकते हैं, वो भी आप लोगों को मिलेगा, डिले के अंदर मिलेगा, डिले में जाइए स्टूडियो डिले, और इसके अंदर जो हमारा पसंद का जो है स्वीट वोकल डिले इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, फीडबैक को कम कर दीजिए। अभी चला कर देखिए हो गया। और लिमिटर को देखिए ये -4.3 dB है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। एक रात होके निडर मुझे हो गया। उसके बाद लास्ट जो आप लोगों को देना है और कुछ देना नहीं है, उसके बाद मास्टरिंग के अंदर आप लोगों को मिलेगा UV 22 HR, ये बोल के देना है, इसको 16 बीट कर देना है और नहीं तो 24 बीट कर देना है। 16 बीट ही हम लोग करेंगे क्योंकि 16 बीट में हम लोग सीडी क्वालिटी का बनाएंगे। तो देखिए ये 16 बिट कर देने के बाद क्या लग रहा है,
बेसिकली इंटरनल जो निवंडो का अंदर इफेक्ट जो है उसको लेके बोल रहा है। एक्सटर्नल इफेक्ट देखे तो बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं हम लोग, मगर इंटरनल इफेक्ट लेके भी हम लोगों को सुनना पड़ेगा। रिवर्ब को लेके थोड़ा सा आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, किस टाइप का रिवर्ब देने से बहुत अच्छा मिलता है, साउंड अच्छा मिलता है, वो आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। और हम भी एडवांस में बोलेंगे किस टाइप करने से रिवर्ब का क्वालिटी अच्छा होगा। तो हम लोग एक बेसिक डाल दिया है, मतलब ये है बेसिक है। उसके बाद हम लोग जब मिक्सर में जाएंगे, मिक्सर में जाके हम लोगों को करना यही है, इसमें आप लोगों को मास्टरिंग का अंदर, डायनामिक्स का अंदर मल्टी बैंड कंप्रेशर देना पड़ेगा, कुछ चेंज करना नहीं है। उसके बाद डायनामिक्स का अंदर मैक्सिमाइजर देना पड़ेगा, कुछ चेंज करना नहीं है। उसके बाद सॉरी ये दूसरा खुल गया है। उसके बाद आप लोगों को जस्ट इसके अंदर फिर से UV22HR देना पड़ेगा, बस और कुछ करना नहीं है। इसको हम लोग एक्सपोर्ट करके देखते हैं, एक्सपोर्ट ऑडियो मिक्स डाउन, ये हम लोग लिख देते हैं फाइनल मिक्स, हो गया। MP3 लेयर ही रखते हैं, वो ट्रैक के अंदर चला जाएगा और ऑडियो ट्रैक और पूल को इनेबल कर देते हैं, इधर मिल जाएगा हम लोगों को, प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। हो गया, तो इसको देखिए बहुत अच्छा कारवाया है, चला के देखिए कैसा लग रहा है। शार्प लग रहा है, अगर थोड़ा सा शार्प अगर होगा तो आप लोगों को इधर से शार्प थोड़ा कम कर देना पड़ेगा। ये लेडीज वोकल है इसीलिए थोड़ा शार्प ज़्यादा हो गया है, कम करके फिर से एक बार रेंडर करना पड़ेगा। तो ये है तरीका बेसिकली, ये आप लोग करके देखिए। एक्चुअली हम लोग जब व्हाट्सएप में कुछ ऑडियो भेजते हैं ना, उसका क्वालिटी घट जाता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पहले से क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा के व्हाट्सएप में भेजना पड़ेगा, तो उसमें क्वालिटी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आदमी लोग सुनेगा उसमें अच्छे से सुनाई देगा, आपका वोकल भी सुनाई देगा और ट्रैक भी सुनाई देगा, मतलब ट्रैक और वोकल का इतना अच्छा से मिक्स करना पड़ेगा, आदमी लोग को समझ में नहीं आएगा ये ट्रैक बज रहा है ना ये कंपोजिशन है। तो मिक्स करके ऐसे टाइप का आपको आप लोगों को करना पड़ेगा। कुछ कुछ आदमी लोग बोला है हमको हमारा वोकल सुनाई नहीं दे रहा है, तो ट्रैक का ही जोर से बज रहा है और वोकल नहीं आ रहा है। तो इस तरीका से आप लोग करिए, ट्रैक का ऊपर कुछ नहीं करना है उसका जो है, क्योंकि कुछ अगर करने से क्या होगा, वो बूस्ट हो जाएगा ज़्यादा और आपका वोकल थोड़ा चाप जाएगा। तो वोकल में ही करना है, वोकल में ऐसा टाइप का इफेक्ट डालना है। ऐसा टाइप का इफेक्ट डालने के बाद आप लोगों को जो मास्टर ट्रैक है, मास्टर ट्रैक में आप लोगों को ई बटन को प्रेस करके ऐसा टाइप का इफेक्ट डालना पड़ेगा। इधर से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस चैप्टर का है, कुछ अगर करेंगे तो किसके लिए करेंगे थोड़ा सा बाद में हम लोग बोलेंगे। तो ये है वोकल का तरीका, आप लोग करके हमको थोड़ा कमेंट दीजिए, आप लोगों का वोकल कैसा लग रहा है और कैसा हो रहा है। और कुछ जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट में लिखिए, हम आपको जानकारी बोल देंगे कैसे करना पड़ेगा। और ये कॉन्डेंसर माइक्रोफोन टेक है वोकल का, इसीलिए क्वालिटी अच्छा है, मगर इसका वेव कार्ड थोड़ा स्मॉल है। तो हम लोगों को कार होना चाहिए, अगर डायनेमिक माइक्रोफोन से होना रिकॉर्डिंग होते इस टाइप का कार होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। तो इसके ऊपर इफेक्ट डालने के बाद जब अगर इस टाइप का कार होगा तो आप लोगों को इधर से कंप्रेसर को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, 5.8 dB से कम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका वोकल साउंड ज़्यादा हो जाएगा, ट्रैक सुनाई नहीं देगा। ऐसे टाइप का करके हम लोगों को बोलिए, कमेंट कीजिए ना तो हमको SMS करिए, और हमारा चैनल देखते रहिए, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ रहा है, और कैसा लग रहा है वो भी कमेंट कीजिए, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।